इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो किसी भी साइड का स्क्वायर है उसका अगर आप 3 टाइम्स कर देते हो तो वो 4 टाइम्स उसके ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। रीड कर लो एक बार, रीड कर लो ये स्टेटमेंट, ये लर्न होनी चाहिए, ऐसे ही रिजल्ट एज इट इज। उसमें से 4 ऑप्शंस होगी, उनमें से बताना होगा कौन सा कौन है। तो एज इट इज ये 4 लर्न करनी है आपने। अब एमसीक्यू स्टार्ट कर लेते हैं, ये सारा कुछ इसमें कवर हो जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फिगर किधर है, ए बी सी ई और डी। नेक्स्ट जो अब आपका टेस्ट है दैट इज ऑन थर्सडे, थर्सडे है, उस पे टेस्ट में आएगी ट्रिग्नोमेट्री और प्रोबेबिलिटी, दो चैप्टर, ठीक है। हाँ जी, 10 क्वेश्चन ही होंगे वही एमसीक्यू फॉर्म में जैसे अभी थे, क्लियर। लेकिन नहीं, सब क्लासेस के साथ चलेगा, तो उन्होंने प्रोबेबिलिटी वगैरह डिसाइड की, प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। आज हम एक्स्ट्रा क्लास में प्रोबेबिलिटी कर लेंगे। क्या देखो, ये ट्रायंगल गिवन है, ये साइड इसके पैरेलल गिवन है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। आपने एसी फाइंड करना है। हाँ जी, ये साइड इसके पैरेलल है, कौन सा रिजल्ट है ये, की रेशो सेम आ जाएगी, कौन सी रेशो लेंगे, 5/4 इज इक्वल टू 6/8। ये एक तरीका और भी है क्या, 5/9 इज इक्वल टू 6/4, वो भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो 5/9 इज इक्वल टू 6/AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कर लो सॉल्व, क्या आएगा आंसर, डेसिमल में आएगा। ठीक है, आंसर इज 10.8। आप अगर ये लेते 5/4 इज इक्वल टू 6/AE, तो वहां से ए ई आ जाता, फिर AE को किसके साथ प्लस कर देते, 6 के साथ, ठीक है। अगर ये पूरी लेंथ निकालनी है, पहले ये फाइंड करोगे, उसमें दोनों को ऐड कर दोगे तो पूरा, ठीक है, उससे भी हो जाएगा। यहाँ देखो, इस क्वेश्चन में आपको कहता है एबीसी एक ट्रायंगल है जो एडी है, ये बाइसेक्टर है एंगल ए का, ये बाइसेक्टर है इसका, ठीक है। आपने एसी बताना है क्या होगा, ये 6 है, ये 4 है, ये 12, ये फाइंड करना है, ऑब्वियसली रेशो लेंगे, ठीक है। जैसे वो साइड उसके पैरेलल थी, मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट जो है रेशो वाला रिजल्ट एंगल बाइसेक्टर में, ऑल्टीट्यूड में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, ठीक है, साइड के बाइसेक्टर में, सब में लग जाता है, तो यहाँ पर भी लगेगा रिजल्ट। ये जो ईडी है ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो रेशो लेंगे साइड की, ये बीडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू एबी अपॉन एसी। करो सॉल्व, सॉल्व करो, सॉल्व करो, ये बताओ कितना आएगा। हरियांश बेंच इधर कर लो थोड़ा सा, ठीक है, बैठ जाओ, दिख रहा है, ठीक है। पुष्कर आप काम नहीं कर रहे, प्रभु आवाज ना आए आपकी बिल्कुल भी, करो सॉल्व। अंकिता क्या आंसर आ रहा है, 18 सेंटीमीटर। सॉल्व की है, कर लिए सॉल्व, करण जोत आपने सॉल्व की है, कब करोगे फिर, 4/12 इज इक्वल टू 6/AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
एसी आ जाएगा 18। ये स्टार्ट करो। हाँ जी 4.5 है। करो सॉल्व। ट्रेपीजियम गिवन है, मैंने पूरे स्टेटमेंट नहीं लिखी, ट्रेपीजियम गिवन है, डायगोनल्स बाइसेक कर रहे हैं, रेशो ये साइड्स गिवन है, OC 2 है, OA 4 है, OD 3 है, ये फाइंड करना है। किया हुआ है, ये बुक का क्वेश्चन है आपके। उसमें रिजल्ट आया था, रिजल्ट बता सकते हो क्या आया था? OD अपॉन OB इज इक्वल टू OC बाय OA। वैल्यू पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। करनी है लेकिन आप करोगे नहीं, आपको रिजल्ट डायरेक्ट अप्लाई करना है। हाँ जी, इसका आंसर आ गया है, क्या आ रहा है? सॉल्व नहीं किया अभी तक, सॉल्व किया है, बस करो। 4.5 आ रहा है इसका आंसर। हाँ जी बोलो, रेशो कैसे लेंगे? मिष्टी बोलो जरा, रेशो नंबर बोल दो सीधा। 3/2 रेशो, 3/2 और PS/3 भी ले सकते हैं, 2/3 upon 3/PS भी ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर सेम आएगा। रेशो इधर से भी ले सकते हैं, मत करो, ये किसके हाथ चल रहे हैं, तू है ना, मत कर। 3/2 इज इक्वल टू PS/3, आंसर सेम आएगा। ये सॉल्व करो, इसका 6 आ रहा है आंसर, ठीक है। इसमें भी रेशो लेनी है, बट साइड्स की बजाय डायगोनल्स की रेशो लेनी है, ठीक है। साइड्स पैरेलल हैं, ये वाली DE फाइंड करनी है। आंसर बोलो क्या आ रहा है? सिक्स कह रहे हो, देखते हैं। ये नैना पकड़ाना सर, एक मिनट देखने दो। हाँ जी 6 है इसका आंसर। ये देखो इधर, ये जो दो ट्रायंगल हैं, इसके ये साइड इसके पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे। डबल ए से ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो ले सकते हो। अब यहाँ देखो, ये 4 upon ये आएगा AD, ठीक है, मतलब ED फाइंड करना है या DE जो भी है। 4/DE इज इक्वल टू BC/DC, ठीक है, मतलब 2/3, मतलब इस साइड की 4, इस ट्रायंगल का 4, इस ट्रायंगल की ये DE, इस ट्रायंगल की 2 cm, इस ट्रायंगल की 3 cm। सॉल्व कर लो, 6 आ गया, ठीक है। ट्रायंगल रेशियो तब लेनी है जब ट्रायंगल सिमिलर है, तो ट्रायंगल डबल ए से सिमिलर है। अच्छा एक और बात सुन लो, आपने ये रिजल्ट भी किया हुआ है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज की जो रेशियो है
वो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशो के स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, आपने इस पर लर्न कैसे करना है, एरिया की बात कर रहा है तो साइड का स्क्वायर लेना है, लेकिन अगर एरिया की जगह ट्रायंगल का पेरीमीटर आ जाए तो साइड के इक्वल होता है। जैसे एरिया था ना पहले, एरिया होता है तो साइड के स्क्वायर आता है, मतलब ए बी अपॉन डी का स्क्वायर, बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर, ए सी बाई डी एफ का स्क्वायर। लेकिन अगर एरिया की जगह पेरीमीटर आ जाए, चांद ध्यान नहीं मिलोगे, इक्वल टू साइड के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो के इक्वल होता है। बात समझ गए, ये बुक में नहीं दिया हुआ, ठीक है, ये एक्स्ट्रा में है रिजल्ट। और आपको ये भी बताया था जब किसी भी ट्रायंगल में मीडियन, ऑल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर दिए हैं तो साइड्स के साथ उनकी रेशियो भी इक्वल होती है। ये रिजल्ट तो आपने बुक में किया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे अभी आया था एंगल बाइसेक्टर। सेम वे में अगर एरिया की जगह पेरीमीटर आ जाए तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग किसी भी साइड के इक्वल कर सकते हो। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू किसी भी एक साइड के इक्वल, दो चाहिए तो दो के इक्वल भी कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हम करने लगे। देखो इधर पेरीमीटर गिवन है, दो ट्रायंगल है, दो सिमिलर ट्रायंगल है, एबीसी और एल एम एन, इनके पेरीमीटर 60 और 48 गिवन है। एम एन जो है वो गिवन है 12, बी सी फाइन करना है, करो फाइन, यही फॉर्मूला लगाना है। एम एन 12, बी सी फाइन करना है, यही फॉर्मूला लगाना है। चेक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बता सकते हो, साकेत बोलो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग, एल एम बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग और ए सी के, तो जो चाहिए वो ले लो। आपको कौन सी चाहिए, एम एन, एम एन की कॉरेस्पॉन्डिंग बी सी, तो बी सी ही फाइंड कर लो, करो सॉल्व, आंसर निकालो। आंसर इज 15। ठीक है, 15 आंसर आ गया अर्पित, पीछे लास्ट। चलो पेरीमीटर लेना है उसका 60/48, दोनों ट्रायंगल का पेरीमीटर 60/48 इज इक्वल टू, 60 किसका है, एबीसी का, तो यहाँ बीसी आएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ये क्या आएगा 12, ये ठीक है। अगर ये रिवर्स लिख दिया जाए रॉन्ग हो जाएगा, कुछ आंसर नहीं आएगा। एबीसी है ना ऊपर, तो एबीसी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बीसी, ये एल एम एन है इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एम एन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 15। माधव आप सुन नहीं रहे, अच्छा ठीक, चलो ये करो सॉल्व, हैं किसका, इसका क्या आ रहा है, 24 तो आ नहीं सकता, 8 है आंसर, आंसर इज 8। ये कैसे करेंगे, एडी 4 है, बीडी 2 है, रेशो लेनी है वही। अच्छा एक बात सुनो, अभी इसमें एक ही डिफरेंस है, बता सकते हो क्या, हाँ जी, ये बीसी जो है छोटे ट्रायंगल की साइड है, बड़े ट्रायंगल की साइड है बीसी, छोटे ट्रायंगल की साइड है 4, बड़े ट्रायंगल की साइड क्या आएगी, पूरी आएगी, कितनी 6। अगर 6 नहीं लेते तो रॉन्ग है, फिर नहीं आंसर आएगा। अगर आप ऐसे ले लेते हो ना 4/2, तो 2 तो आप ये ट्रेपीजियम की साइड ले रहे हो, लेकिन आपको चाहिए किसकी, पूरे ट्रायंगल की, तो 4/6 कहां से आया है, दोनों का सम 4/6 इज इक्वल टू x/12, क्लियर है। ये पूरी साइड है ना बीसी बड़े ट्रायंगल की, तो यहाँ पे बड़े ट्रायंगल की साइड ए बी आएगी, वो आएगी 6, ठीक है, आंसर आ जाएगा 8।
अच्छा ये वाला रिजल्ट देखो, ये इम्पोर्टेंट है, एनसीआरटी एग्जाम्पलर में से यही क्वेश्चन। ठीक है देखो इधर, इसके जैसे दो तीन क्वेश्चन और हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी जो एक आया ये कर लेते हैं पहले। दो ट्रायंगल दिए हुए हैं ए बी सी, लीडर से आवाज बंद करो, सी ई एफ, ये दो ट्रायंगल गिवन है आपको, कहते हैं एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है, एंगल एफ जो है एंगल सी के इक्वल है, और ए बी जो है वो थ्री टाइम्स डी ई के इक्वल है। अब आपने ये बताना है कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, इसकी फोर ऑप्शन है, मैं यहां लिख रही हूं, कॉन्ग्रेंट बट नॉट सिमिलर, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट, नीदर सिमिलर नॉर कॉन्ग्रेंट, और कॉन्ग्रेंट एज वेल एज सिमिलर। सिमिलर तो हैं, क्यों हैं? ए ए सिमिलैरिटी, दो दो एंगल इक्वल है ना तो सिमिलर है, सिमिलर तो हैं बट कॉन्ग्रेंट नहीं है। कॉन्ग्रेंट के लिए साइड इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो कहते हैं ए बी जो है वो डी ई के थ्री टाइम्स है, अगर ये इक्वल होते तो कॉन्ग्रेंट भी हो जाता। अभी क्या है, अच्छा रेशियो बता सकते हो क्या है ए बी अपॉन डी ई की? 3/1। अब जल्दी बहुत करते हो तभी मिस्टेक होती है, ए बी बाय डी ई इज 3/1 और डी ई बाय ए बी इज 1/3। ठीक है, तो अभी ये साइड इक्वल नहीं है इसलिए ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट। तभी हाँ नेम देखने पड़ने थे, बनते हैं कि नहीं बनते, अगर नेम बनते कॉरेस्पॉन्डिंग तो आंसर होता, अदरवाइज नहीं। क्या वो नहीं आया? 8 आंसर। हाँ जी लिखो नेक्स्ट। चुप करो, जो भी बोल रहे हो चुप हो जाओ। ये और ये एंगल 90 है, ठीक है, एपी इनटू सीपी की वैल्यू बतानी है क्या आएगी, ऑप्शन दी हुई है, ठीक है, लेकिन मैं बता नहीं रही, आप बताओ। एपी इनटू सीपी किसके इक्वल आएगा ये बताना, ऐसे दो ट्रायंगल देखो जो सिमिलर है, ऐसे दो ट्रायंगल बताओ जो सिमिलर है इनमें से, ए बी सी, दोबारा बोलो, ए ए बी सी, ये दोनों सिमिलर है, कैसे? डबल एस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और ये 90 डिग्री, ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब बस रह गया नेम देखना, इस ट्रायंगल के सिमिलर ये है, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग बी, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी, तो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग सी, तो चेंज कर दो, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग बी, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग बी, पी सेम आएगा क्योंकि पी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग बी, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग, बस ये आ गया, ये आ जाएगा ऑप्शन में ना, ये पहले दे रखा है, ये बाद में, बस एक ही ऑप्शन ऐसी है, बाकी सारी रॉन्ग ही लिखी हुई है, बाकी में ना पूरी पूरी साइड दे रखी है, ए बी दिया हुआ है, कहीं पे कुछ और दे रखा है, ऐसे ऑप्शन है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। हाँ अगर हाँ हाँ मैं करवा रही हूँ ऐसा क्वेश्चन, करवाएं लिखो, चलो एक्स वाला ऐसे ही क्वेश्चन लिख लो, ऐसा भी आ जाता है, लिखो एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, ए बी सी डी ई, ये साइड इधर से आवाज बंद करो, ये एक्स प्लस थ्री है,
ए बी जो है ना पूरा वो 2x है, ठीक है, जो पूरी साइड है ना ये 2x है, एक्स प्लस 5 है, और ए सी जो पूरी साइड है वो 2x प्लस 3 है, ये जो पूरी साइड है ये 2x प्लस 3 है, एक्स फाइंड करना। कृतिका रेशो बोलो क्या आएगी, एडी ओवर, हाँ, वो तो है ही नहीं, वो कहां से ले रहे थे? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स आ जाएगा, करो सॉल्व, पूरा आंसर बताओ।